जय जोहार दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के सिंधु घाटी सभ्यता किसकी और क्यों इसके सातवें पार्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों अभी हम इस लिपि के बारे में, चित्रलिपि के बारे में बताने वाले हैं और चित्रलिपि के बारे में जो इतिहासकार क्या कहते हैं इसके बारे में हम डिस्कस भी करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चित्रलिपि जब मिली तब कुछ कायदे कानून बने होंगे? जी हाँ दोस्तों, इस लिपि के बारे में बहुत सारे इतिहासकारों ने यहाँ पे जब रिसर्च किया तब कुछ लोगों ने यहाँ पे बताया कि इसके क्रियापद वर्ब क्या है, और वो अगर चित्रलिपि भी है तो उसमें क्रियापद है। और जैसे कि मैंने आपको लॉजिक बताया था कि गोंडी संस्कृति में राइट टू लेफ्ट होता है, कौन सा भी कार्य राइट टू लेफ्ट होता है। इसके लिए मैंने उन लोगों को पूछा कि आप राइट टू लेफ्ट क्यों ऐसा करते हो, आप पढ़ते भी हो राइट टू लेफ्ट, आप पूजा भी राइट टू लेफ्ट करते हो, ऐसा क्यों? तो उन्होंने मुझे कारण बताया कि जैसे किसी पेड़ पर वेली भी चढ़ती है, वेल भी चढ़ती है, तो वो राइट टू लेफ्ट ही होती है। बहुत सारे ऐसे उन्होंने ये बताया, उनकी घड़ी भी मैंने देखी, वो राइट टू लेफ्ट ही होती है। तो दोस्तों ये राइट टू लेफ्ट वाला कंसेप्ट यहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि चित्रलिपि के बारे में बिल्कुल मैच होता है। और फिर वैज्ञानिकों ने वहाँ पे बताया कि ये चित्रलिपि कैसे पढ़ी जा सकती है, इसके कुछ वर्ब है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आए और चित्रलिपि को कुछ भी, किसी सिंबल को कुछ भी नाम दे, ऐसा तो रिसर्च में नहीं हुआ होगा। फिर उन्होंने कुछ बातें तय की, वो बातें ये है कि इस बातों में ये चित्रलिपि ऐसी है, इसका वर्ब यहाँ पे आता है, क्रियापद यहाँ पे आता है, और इसी से यह वाक्य पूर्ण होता है। यह जो कुछ बातें हैं यह पूरी बातें मालूम होनी चाहिए, तभी हम यह चित्रलिपि पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा रखा है और इस चित्रलिपि को पढ़ने के लिए क्या बंधन कारक है यह हम देखते हैं। फिनिक्स एकेडमी ऑफ साइंसेस एंड लेटर्स और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा पाकिस्तानी सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम के द्वारा प्रकाशित की गई कॉपर्स ऑफ इंडस सील्स इंडस इंस्क्रिप्शन के कुछ पार्ट जो इन चिन्हों से समाप्त होते हैं, इनकी सूची यहाँ नीचे दी गई है, जिस पर से सिंधु लिपि की दिशा दाएं से बाएं है इस बात की जानकारी पाठकों और अध्ययनकर्ता को होगी। दोस्तों इस किताब में यह बताया गया है कि राइट टू लेफ्ट जो लिपि पढ़ी जा सकती है किस किस ने, दादा मोतीराम कंगाली ने नहीं, तो इन संशोधकर्ताओं ने यहाँ पे ये प्रमाणित किया कि ये लिपि ऐसे पढ़ी जा सकती है और इसके कुछ तथ्य बताए। जी हाँ दोस्तों, आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो इन लोगों ने, जो इंस्टीट्यूटों ने ये दी हुई सूची है, जिसमें से ये बताया गया है कि ये लिपि ऐसे पढ़ी जा सकती है जो आपके स्क्रीन पे अनुक्रमणिका दिखाई जा रही है। उन्होंने कुछ तथ्य बताए, जैसे अब लिपि तो आपने एक संगलित कर दी कि उसका वर्ब कहाँ पे आएगा, लेकिन ये लिपि पढ़ने वाले को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होगी ये भी यहाँ पे बताया गया है, और ये भी आपके साथ शेयर करना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके दिमाग से कोई ऐसा ना हो कि ये लोग जबरदस्ती से सिंधु घाटी सभ्यता को अपनी सभ्यता बता रहे हैं। तो इसके द्वारा यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए, कुछ बंधन दिए गए, उस बंधनों में रहकर ही आप इस चित्रलिपि का पठन कर सकते हो। वाल्टर ए फेयर सर्विस ने, जो कि बड़े संशोधनकार हैं, उन्होंने यहाँ पे बताया है कि किस बंधनों के साथ आप इस लिपि को पढ़ सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ। इसका पॉइंट वन है, सर्वप्रथम प्रत्येक अंकित चिन्ह किस बात का प्रतीक है यह सुनिश्चित किया जाए। नंबर टू, उसका पर्यायवाची शब्द द्रविड़ पूर्व भाषा में क्या है यह खोज निकाला जाए। पॉइंट नंबर थ्री, उचित पर्यायवाची शब्द जो द्रविड़ पूर्व भाषा का ही हो का चयन किया जाए। अंत में उसका वास्तविक अर्थ हो शाब्दिक अर्थ निश्चित कर पाठ के मूल भावार्थ में बैठाया जाए। देखिए दोस्तों, इस चित्रलिपि को पढ़ने के लिए भी कुछ बंधन दिए गए। ये बंधन ये है, आप जो भी सिंबल का अर्थ निकालते हो वो सिंबल का अर्थ प्राचीन द्रविड़ पूर्व भाषा में क्या है ये देखना बहुत ज़रूरी है। उस द्रविड़ पूर्व भाषा शब्द का अर्थ आज के आधुनिक काल में क्या है ये भी सोचना ज़रूरी है। जब आप द्रविड़ पूर्व शब्द की खोज करते हो, उस सिंबल को देखते हो, उसका अर्थ अगर लाते हो, फिर उसको आज के पाठ्यक्रम में पढ़ा जा सकता है। यह जो कुछ मैंने बिंदुए बताया है, इस बिंदुओं के आधार को साक्ष्य मानते हुए मोतीराम दादा ने इस लिपि को पढ़ा है, और इस लिपि को आपको जो मैं आने वाले पार्ट में सिंबल भी बताऊंगा, सिंबल जो एक सिंबल किस किस का द्योतक है और वो पिछले द्रविड़ पूर्व भाषा में इसको क्या कहा जाता था ये भी आपको देखने में रुचि होगी। फिलहाल दोस्तों ये लिपि का जो नियम है, जो बंधन है, उस बंधन को लेते हुए कंगाली साहब ने यहाँ पे रिसर्च किया है। ये रिसर्च ऐसे ही नहीं हुआ है और कंगाली साहब ने अपनी जिंदगानी इस रिसर्च पे लगा दी है, तो हमें भी
बताने में फख्र हो रहा है कि ये सभी बातें जो इंडस वैली के संशोधकारों ने बताई है ये सभी फॉलो की गई है और इसको याद रखते हुए इंडस वैली की स्क्रिप्ट पढ़ी गई है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय दिवसी, जय गुणवाना, जय भीम।